नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू सिंह आपका स्वागत करता हूं आइडल डील में। और मैं आज दिखाऊंगा आइडल डील की तरफ से आइडल ब्रांड का 22 लीटर का सिमी ऑटोमेटिक बॉयलर। और मैं आज वीडियो चालू करता हूं और दिखाता हूं किस टाइप का ये बॉयलर है और कैसे आप इसको ले सकते हो, कैसे मंगा सकते हो इसको। तो सबसे पहले तो मैं दिखा दूँ, ये आपका एक 22 लीटर का सिमी ऑटोमेटिक बॉयलर है। इसी के साथ आप एक आयरन इसके साथ आती है ये, और एक ये मैट आता है, एक टेफ्लोन शू आता है इसका, और ये वायर है इसकी बॉयलर की, और प्रेस की ये प्लक है। और पूरी इसकी फिटिंग करके दिखाऊंगा कैसे चलेगा ये। मैं आपको इसको वीडियो को दिखाता हूँ कि कैसे चलेगा ये। देखिए, मैं इसको सबसे पहले आपको आयरन फिट करना बता देता हूँ कैसे आयरन फिट होगा इसमें। पहले सबसे पहले वायर रन को खोल लेते हैं। देखिए, आयरन हमारा इस टाइप का आयरन है ये, हैवी लॉन्ड्री या गारमेंट्स यूज के लिए। इस आयरन को हम यहाँ रखते हैं और देखते हैं इसका कनेक्शन कैसे होगा। इसकी जो कनेक्शन है, ये पाइप जो है यहाँ लगेगी। अब देखो ध्यान से, मैं एक आपको इसके लिए प्लास की रिक्वायर्ड होगी। ये क्लैंप है इसका, थोड़ा सा बैक कर लेंगे सबसे पहले। और इस पाइप को इस देखें, इसमें हाउस पाइप है, इसको इसमें इस तरीके से चढ़ाएंगे हम। और इसको देखें, हम इसको ये चढ़ाने के बाद इस क्लैंप को यहाँ इस तरीके से लगा दिए हैं। अब दूसरी इसकी एक कनेक्टर लगता है इसमें, ये कनेक्टर का पॉइंट यहाँ देखें आप, इस टाइप से एक कनेक्टर है। बैक साइड से आपको मैं दिखा देता हूँ। देखें, ये कनेक्टर की पिन है, ये वाली पोर्शन इस टाइप से इसमें हम ये लगाएंगे। और इसकी एक ये पेच लगी हुई है, पेच टाइट कर देंगे तरीके से। ये हमारी फिट हो गई है। अब ये दूसरा इसका मेन प्लग है जो पावर बोर्ड में लगता है, ये इस टाइप की बोर्ड में लगाएंगे इसको। और यहाँ से देखें, इसको जब दबाएंगे तो यहाँ से स्टीम रिलीज होती है। देखें, इस तरीके से आवाज आती है। इसमें ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। ये इस तरीके से इसमें हीट कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं टेबल के ऊपर रख कर दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से। देखिए, इसको हीट कम ज़्यादा करने के लिए इसको दिया हुआ है, इसे हीट कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये इसका स्टीम रिलीज का स्विच है, और ये प्रेशर बताता है कितना प्रेशर बनेगा इसके अंदर। ये सेफ्टी वॉल्व है, जैसे हमारे घर के कुकरों में लगा रहता है ना सिटी, उस तरीके का सिटी है। अगर किसी वजह से इसमें स्टीम ज़्यादा बनती है तो यहाँ से रिलीज हो जाता है ये, तो इसके लिए सेफ्टी वॉल्व लगी हुई है। ये ड्रेन वॉल्व लगा हुआ है। ये दूसरा जो पॉइंट है, इस पर ऐसी एक और आयरन आप लगा सकते हो, उसके लिए दिया हुआ है। इसकी डबल आयरन की भी वीडियो है, आप हमारे चैनल पर वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और ये देखें, ये इसका पाइप का लेंथ है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये इतनी लंबी पाइप आती है, आप बड़े इजीली आप किसी भी टेबल पे अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं। इसको आप ऊपर इस तरीके से हैंग करना होगा किसी रस्सी वगैरह से अपने टेबल पर, और ये नॉर्मल टेबल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वैक्यूम टेबल भी ले सकते हैं, हमारे वैक्यूम टेबल मिलता है। अब मैं बॉयलर का प्रोसेस बताता हूँ। इसको तो एक आप सेपरेट के लिए एक ऐसा बोर्ड लगवाना होगा सबसे पहले, दूसरे में एक ऐसी बोर्ड या फिर एक एमसीबी लगवानी होगी आपको। और इसकी ये वायर, मेन वायर है बॉयलर की, ये जो वायर है इसका, ये दो वायर यहाँ लगाएंगे हम। देखें, इसमें क्या है, जब तक इसमें पानी नहीं होगा तो ये बीप करके साउंड देगा कि मेरे अंदर पानी नहीं है। ये पानी का इंडिकेटर बता रहा है मेरे अंदर पानी नहीं है। तो जब इसका इंडिकेटर पानी डाल देंगे तो इंडिकेटर बंद हो जाता है, ये वाला स्विच चालू हो जाता है। अब देखें, इसको हमने यहाँ से सबसे पहले ये वाल्व खोलना है, उसके बाद ये सेकंड वाल्व खोलनी है ये वाली, और इसके अंदर पानी फिलअप करेंगे। जब पानी फुल हो जाएगा तो फिर इसको बंद करेंगे, फिर इसको बंद करेंगे, और फिर वेट करेंगे। मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट के अंदर ये स्टीम बना के दे देगा आपका। और इसकी जब इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे आपको दिन भर काम किया, शाम को इसको पानी ड्रेन करने के लिए ड्रेन वॉल दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से ये पानी ड्रेन हो जाता है। ये ड्रेन वॉल है, यहाँ पे फिट होता है, ये पानी इनलेट का यहाँ पे है। और इसकी ये वोल्ट मीटर है, ये मेन स्विच है, ये इसका वाटर इंडिकेटर है, और ये हीटर का स्विच है। प्रेस का यहाँ है, प्रेस की एक सेपरेट ऐसी बोर्ड लगवानी होगी।
उससे चल जाएगी। मैं दोनों एक ही प्लग में लगा के फिलहाल दिखा देता हूँ आपको। देखिए दोनों लगा दिया हूँ तो प्रेस भी हमारी चालू है और ये भी चालू है। इस तरीके से इसका कनेक्शन है। इसकी वायर काफ़ी लंबी रहते हैं हम, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा किसी भी टाइप का। देख सकते हैं इस तरीके से इसका एक कनेक्शन हो जाएगा इजीली, आपको कुछ नहीं करना होगा। और यहाँ से बटन दबाते हैं, स्टीम रिलीज होगी। इसके साथ ये सिलिकॉन मैट देते हैं जिसके ऊपर आप आयरन रखनी होगी। दूसरा एक टेफ्लॉन शू देते हैं इसके साथ। ये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मंगवा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मंगा सकते हैं। इस बूट को इस तरीके से इजीली इस पर इस टाइप से लग जाता है ये। और इसका देखें ये भी चालू है, हमारा प्रेस भी चालू है इस बोर्ड में लगाने के बाद। आप ऐसे नहीं लगवाएं, सेपरेट अलग अलग दो बोर्ड लगवाएंगे उसमें। मैं आपको नॉर्मली चालू सिंपल समझाने के लिए चालू किया हूँ इसको। अब ये देखें इस तरीके से, इसमें हमारी ब्रांडिंग है, ये हमारे ब्रांड की तरफ से आता है, आइडल ब्रांड का। हमारा इस पर कस्टमर केयर नंबर भी लिखा हुआ है, STC हमारी फॉर्म का नाम है, उसके थ्रू ये बेचते हैं हम। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मंगा सकते हैं, वो भी कैश ऑन डिलीवरी में ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवर करते हैं इसको। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे पूरे उसमें आपका सप्लाई है ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी मंगा सकते हैं इसको, कैश ऑन डिलीवरी में, प्रीपेड में, ट्रांसपोर्ट में। इसके साथ हम वैक्यूम टेबल बॉयलर, ये फुली ऑटोमेटिक बॉयलर भी देते हैं। ये इससे बड़ा बॉयलर है, ये फुली ऑटोमेटिक है, इसमें पानी ऑटोमेटिक ले लेता है। जो सिस्टम इसमें लगा हुआ है, ये सिस्टम इसमें नहीं लगा, इसमें पंप लगी हुई है, ये पंप ऑटोमेटिक पानी खींच लेती है इसके अंदर से। इसमें पंप लगा हुआ है, विदाउट पंप का है, सेमी ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है, ऐसे ही प्रोसेस इसमें भी है सेम। और मैं इसको आपको कंप्लीट एक बार दिखा देता हूँ। देखिए चारों तरफ से आप किस साइड से, ये कुछ इस टाइप से है, फ्रंट से ये है, इसमें हमारी ब्रांडिंग है, ये प्रेस है, ये इसका स्टीम का ड्रेन वॉल है, एयर वॉल, ये पानी का इनलेट वॉल है, ये इसका आउटलेट वॉल है। ये पूरी कंप्लीट इस टाइप से है, आप देख सकते हो। और ये पूरी आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया मंगा सकते हैं इसको। और इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे हर जगह चैनल बना हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।